बार स्वागत करता हूं अपने चैनल अनूप श्रीवास्तव ब्लॉग में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सम इफ। सम इफ जो काम करता है वो किसी पर्टिकुलर किसी हम एक चीज़ को जो है हम काउंट कर सकते हैं। जैसे आप सामने सीट देख रहे होंगे, राम श्याम अनूप राहुल राम अनूप अनूप अनूप। अब अगर हम सम कॉल करेंगे तो ये सबका सम बताएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अनूप का टोटल अमाउंट कितना है केवल वो मुझे निकाल के दे। तो उसके लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं सम इफ। सम इफ का काम क्या होता है दोस्तों, वो सिंगल क्राइटेरिया लेता है। अगर हम अनूप और उसके बाद मान के चलिए वो कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है, राहुल हैं वो कहाँ के हैं, मतलब मुझे दो तीन क्राइटेरिया, चार क्राइटेरिया, पाँच क्राइटेरिया, अगर मुझे उस क्राइटेरिया को लेना है तो उसके लिए सम इफ्स का फार्मूला हम यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। जिसको आता है वो इस वीडियो को स्किप कर देगा, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखे और समझे। सीट आपके सामने है, राम श्याम अनूप राहुल राम, ये ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि राम का टोटल अमाउंट मुझे निकाल के ये दे दे, तो उसके लिए सम इफ का फार्मूला लगेगा। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वही काम सम इक्वल का, फिर इक्वल के बाद हम लिखेंगे सम इफ, ठीक है। ध्यान से मैं धीरे इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर मेरे बताने से अगर ना समझ में आए तो फिर मुश्किल है, क्योंकि मैं बड़े आराम से और धीमा धीमा जो है और छोटा बहुत छोटा इस शीट इसलिए बनाता हूँ ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। अब देखिए ऊपर जो है आप पढ़िए, जो हमारा फार्मूला बार है उसमें उस मांग रहा है रेंज। अब वो मांग रहा है कि रेंज हमें क्या मतलब वो करना है, हमको रेंज जो है जो हमारा नाम का रेंज है उसको रेंज को हमने ले लिया, ठीक है, कि मुझे फिर उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब वो पूछ रहा है कि क्राइटेरिया मतलब किसका सम आप करना चाह रहे हैं, तो वही काम करेंगे हम, लिख देंगे राम। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा कि जो भी आप लिखिएगा बिल्कुल वो स्पेलिंग मैच होना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी ही नहीं लेगा। चलिए हमने राम ले लिया। अब वो बोल रहा है सम रेंज, मतलब कहाँ से आप उसका उनका सम देखना चाहते हैं, तो सम रेंज हमारा ये है, ये हमने ले लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद से जो है हमने एंटर कर दिया। अब वो बता रहा है 137 राम का हमने किया है, तो राम का 41 राम का 42 40 80 80 100 105 और 132, ठीक है ना। तो 32 और 5 37 यानी 137 बिल्कुल सही जवाब आया, ठीक है ना। अब इसी की जगह पे जो है मान के चलिए, और इसको दोस्तों एक एक तरह से और भी हम ले सकते हैं, मान के चलिए हमें बार बार जो है फार्मूला बार में जाके लिखने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए हम एक सेल को जो है रेफरेंस मान सकते हैं। वो कैसे लेते हैं, ये मैं इसके बगल वाला सेल ले लेता हूँ, ठीक। अब मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए वो जीरो बोल रहा है। जीरो क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है उनका नाम डालना पड़ेगा, ये मैंने राम डाल दिया, देखिए 137 आ गया। इससे क्या आसानी होती है दोस्तों कि बार बार हमें फार्मूला बार में नहीं जाना होगा। अनूप मैंने डाल दिया 119। अब आप इसको जो है आप ध्यान से देख लीजिए, 90, 12 और 17, ठीक है, हो गया आपका 119, बिल्कुल सही जवाब है। अब राहुल का देखना हमको, तो हम जो है राहुल कर लेंगे 177। आप इसको जोड़ेंगे तो आपका जो है 177 ही आएगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये होता है सम इफ। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।